जैसा कि हम जानते हैं कि रिबेट जो है उसका इस्तेमाल बहुत ही जगह किया जाता है, यथा रेल का डब्बा बनाने में रिबेट का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिज ब्रिज को बनाने में भी रिबेट का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ बक्सा को भी बनाने में रिबेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो रिबेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है। तो ये जो है रिबेट, वो बहुत टाइप में आते हैं, जैसे शंख और कप टाइप, पैन टाइप, कोनिकल टाइप, काउंटर शंख टाइप, राउंड राउंडेड काउंटर शंख, इलिप्सॉइड। तो हर तरह के रिवेट हेड का इस्तेमाल तरीके के अनुसार अलग अलग तरीके से होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है कप टाइप रिवेट हेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि कप टाइप रिवेट हेड का यदि डाया 20 है, तो इसका हेड डाया यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 32 होगी और हाइट 14 होगी। हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये जो दिखाई गई है दूरी, वो 14 होती है। तब हम एक सेंटर लाइन बनाते हैं, सेंटर लाइन के दोनों तरफ 10 और 10 लेकर 20 का टेल, इसका टेल बनाते हैं। संक जो है बनाते हैं। अब इसके दोनों तरफ, चूंकि इसका हेड का डाया 32 है, तो 16 इधर और 16 इधर लेकर के इसका जो है हेड डाया बनाते हैं। साथ ही साथ हाइट जो है 14 है, तो यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी 14 ले लेते हैं। अब आर का मान 16 है, तो 16 का चाप लेकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 16 लेकर के जब हम इस तरह से बनाते हैं, तो वो जो है कप टाइप हेड कहलाता है। और कप टाइप हेड को हम इस तरह से बनाते हैं। अब हम पैन टाइप हेड देखते हैं किस तरह से उसे बनाया जाता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, डाया यदि 20 हो तो हेड डाया 32 होगा और हाइट 0.70 यानी 14 होगा। तो उसी तरह सेंटर लाइन लेकर दोनों तरफ हम 10-10 का 20 का संक बनाते हैं। और चूंकि हेड डाया 16 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 है और ऊपर जो है वो 20-20 के बराबर है और ये जो हाइट है वो 14 है, तो 14 इसका हाइट लेकर इसके दोनों तरफ जब हम इसे मिलाया गया, तो उस तरह के हेड को हम पेन टाइप हेड कहते हैं। तो पेन टाइप हेड बनाना बहुत ही आसान है। अब देखें कोनिकल टाइप शेप हम कैसे बनाते हैं। कोनिकल टाइप रिवेट हेड बनाने के लिए यदि डाया 20 है, हेड का डाया 32 है, फर्स्ट हाइट 16 है, सेकंड हाइट 5 है, रेडियस यदि 30 है, तो हम सेंटर लाइन लेकर के
10 और 10 दोनों तरफ लेकर शंख बनाते हैं, और हेड डाया चूंकि 32 है तो यहाँ इधर 16 और इधर 16 लेते हैं। साथ ही साथ फर्स्ट हाइट 16 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम 16 काटते हैं, और सेकंड हाइट 5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, तो हम इस तरह से काट लेते हैं। अब रेडियस चूंकि 30 है तो पहले हम 5 जो हाइट है उसके बराबर हम एक सर्किल बनाते हैं, छोटा सर्किल बनाते हैं, और चूंकि ये जो बड़ा जो रेडियस है वो 30 है तो 30 का चाप लेकर के हम इसके सिरों को टच करते हुए और ये जो सर्किल है उसको टच करते हुए एक आर्क बनाते हैं, जिससे कि कोनिकल टाइप शेप हमें उभर कर सामने आता है। तो दोनों तरफ हम यही क्रिया करते हैं तो हमें जो शेप प्राप्त होता है वो कोनिकल टाइप शेप रिवेटेड हेड प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम तीन तरह के रिबेट को तो यहाँ दिखाए हैं। और तरह के रिबेट को पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, तभी मैं आगे आपको तीन और हेड को बताएंगे। धन्यवाद।